चलो चलते हैं कहीं दूर एक सपनों के नगर में। चलो चलते हैं कहीं दूर एक सपनों के नगर में, जहां बहती हो एक प्रेम धारा, जिस पर कायम हो मरासिम की पुलिया, और जहां हो बस गुर्बत की गलियां। वहां बहती हो तबस्सुम की हवा। चलो चलते हैं कहीं दूर सपनों के नगर में। चलो चलते हैं कहीं दूर सपनों के नगर में। नमस्कार, मेरा नाम है नीनल और माय नेटवर्क में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको रीगन्सबर्ग घुमाने ले जाने वाली हूँ। रीगन्सबर्ग एक छोटा सा शहर है बवेरिया में, और हम जा रहे हैं बायर्न में ट्रेन एलेक्स से। तो चलिए आपको रीगन्सबर्ग घुमाने ले चले। दिन बहुत अच्छा है और हम स्टेशन से निकल चुके हैं सेंट पीटर्स कैथेड्रल के लिए। चलिए, हम रीगन्सबर्ग के ओल्ड टाउन एरिया में पहुंच गए हैं। और मैं आपको बता देना चाहती हूं कि रीगन्सबर्ग यूनेस्को प्रोटेक्टेड वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। मैं अब सेंट पीटर्स कैथेड्रल के एंट्रेंस पर खड़ी हूँ। मैंने सुना है कि अंदर बहुत सुंदर वॉल पेंटिंग्स है और बहुत अच्छी नक्काशी है। मुझे बहुत अफसोस है कि मैं आपको चर्च अंदर से नहीं दिखा पाई, क्योंकि वहाँ पर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। लेकिन अगर आप रीगन्सबर्ग आते हैं तो चर्च जरूर देखिए। इट इज वर्थ योर टाइम। ओल्ड स्टोन ब्रिज ये सबसे प्रसिद्ध आकर्षण है रीगन्सबर्ग का। इसका निर्माण 12वीं शताब्दी में हुआ था। ये दनाऊ नामक नदी पर 16 पिलर्स पर खड़ा एक भव्य ब्रिज है, जो रीगन्सबर्ग की शान है। अभी हम रीगन्सबर्ग से एक बस लेकर वाल हुआ देखने जा रहे हैं। वॉलहला एक हॉल ऑफ फेम है, जो उन प्रतिष्ठित जर्मन लोगों के सम्मान में बनाया गया है जिन्होंने राजनीति, विज्ञान, साहित्य और कला के क्षेत्र में अपना विशेष योगदान दिया है। ये रीगन्सबर्ग शहर से करीब 45 मिनट की दूरी पर है। आप सिटी बस से भी यहाँ पहुँच सकते हैं। करीब करीब 350 सीढ़ियाँ चढ़कर आप इस हॉल ऑफ फेम तक पहुँच सकते हैं। ऊपर आने के बाद के नज़ारे अद्भुत हैं। तो अगर आप रीगन्सबर्ग आते हैं तो वॉलहला हॉल ऑफ फेम जरूर आइए। आज के दिन का ये हमारा आखिरी डेस्टिनेशन है, ये है वॉलहला। इसके बाद हम रीजनल ट्रेन लेकर वापस म्यूनिख की ओर रवाना होने वाले हैं। तो आज के लिए मैं आज्ञा चाहती हूँ। आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगली बार फिर मिलूंगी किसी नई किस्से कहानी को लेकर। तब तक के लिए विदा लेना चाहती हूँ। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।